नमस्कार, आप जो इरा छो वीटीवी न्यूज और आपनी साथे हूं छु वत्सल। बुलेटिन की शुरुआत करिए नजर करिए महत्वपूर्ण समाचार पर। तो संघ और भाजप वच्चे बैठक पूर्ण थई छे। बैठक में आगामी चूंटणी माटे चर्चा करवामां आवी हती। आगामी चूंटणी माटे संघ समकक्ष व्यवस्था बनावशे। संघ तंत्र अने कार्यकर्ताओं ने चूंटणी लक्षी जवाबदारीओ पण आपशे। दरेक विधानसभा सीट पर कार्यकरों ने विशेष जवाबदारी आपवामां आवशे। चूंटणी पहला दरेक बैठक प्रमाणे संघ रिपोर्ट तैयार करशे। बैठक में आपनी एंट्री बाद बदलायेला समीकरणों पर चर्चा करवामां आवी हती। हाल शहरी अने ग्रामीण विस्तार बाद समीकरणों बदलाया छे। लोकोने हिंदुत्व अने राष्ट्रवादी विचारधारा जोड़ायेला राखवा अभियान चलाववामां पण आवशे। बैठक में राजकीय और सामाजिक स्थिति पर चर्चा करवामां आवी हती। संघ और भाजप की बैठक 2.5 कलाक चाली हती। आगामी चूंटणी में संघ की भूमिका और संघ ना विचारों की चर्चा पण करवामां आवी हती। तो आ मामले वधु विगत साथे संवाददाता गौतम श्रीमाड़ी फोनलाइन पर जोड़ाया छे। जी गौतम, संघ और भाजप वच्चे बैठक पूर्ण थई छे। बैठक में आगामी चूंटणी ने लईने चर्चा करवामां आवी। तो हवे संघ समकक्ष व्यवस्था पण बनावशे, वधु विगत। एक दिवस की बैठक है, दर वर्षे मळती होय छे अने नवेम्बर अने डिसेम्बर में आ जे बैठक मळती होय छे। परंतु महत्वनी बात ए छे के संघ अने जे भारतीय जनता पार्टी की समन्वय की बैठक है ते आज योजाई थी, जेमा संघ की साथ साथ अग्रणी संस्थाओं जे छे ते पण जोड़ायेली हती। ते अंतर्गत जे बंधन छे ते बैठक अंदर करवामां आव्युं हतुं। जो कि देश की अंदर 27 वर्षीय संघ परिवार छे ते गुजरात नो रोल मॉडल छे ते रह्युं छे। साथ साथ गुजरात भारतीय जनता पार्टी नो गढ़ छे ते जाळवी राखवा माटे ना जे कवायत छे ते अंतर्गत पण चर्चा विचारणा छे ते करवामां आवी छे। जो कि आगामी समय की अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा 182 बैठकों में 182 बैठक नो लक्ष्यांक छे ते मुकवामां आव्युं छे। त्यारे 182 विधानसभा बैठक की अंतर्गत संघ छे ते विशेष जवाबदारी छे ते सोंपशे अने विशेष जवाबदारी अनुसंधाने जे बैठक वाइज जे कई सामाजिक ज्ञातिवादी समीकरणों छे ते बाबतनो जे सितार छे ते मेळवशे अने त्यारबाद आ तमाम बाबतोनो अभ्यास करीने एक रिपोर्ट छे ते तैयार करशे। जो कि भाजप द्वारा माटे नबळी गणाती जे बैठको छे ते अंतर्गतनी जे तैयारीओ छे रणनीति छे ते पण ગણવામાં આવશે। આ સાથે મહત્વની વાત એ પણ છે કે આમ આદમી પાર્ટી જે છે તે પણ હિન્દુત્વવાદી વાત લઈ અને આગળ આવી રહી છે। સાથે સાથે બીજા પક્ષ તરીકે પણ ઉભરી રહી છે। જે રીતે સુરતમાં અંદર અને સાંસ્કૃતિક ચૂંટણી અંતર્ગત આમ આદમી પાર્ટીએ ખાતું ખોલ્યું છે, ત્યારબાદ દેશ રાજ્યમાં સબળ પાસા તરીકે ઉભરી રહી છે, એટલે કે સબળ વિપક્ષ તરીકે ઉભરી રહ્યું છે। ત્યારે તેના જે આયામો છે તેને ખાળવા માટે કેવા પ્રયત્નો થઈ શકે તે માટે થઈને પણ જે વિશેષ ચર્ચા છે તે સમન્વય બેઠકની અંદર થશે। જો કે સાંજે 4 વાગ્યા સુધી આ સમન્વય બેઠક છે અત્યારે હાલ સીઆર પાટીલ સહિતના જે મુખ્ય હોદ્દેદારો છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના તે બેઠકની અંદર હાજર છે। જો કે સમાપન સત્ર છે તે 4 વાગે યોજાશે અને 4 વાગે સમાપન સત્રની અંદર મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ જે છે તે પણ હાજર હશે। જો કે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા વિસ્તારકની યોજના છે તે અમલીકરણમાં મૂકી છે। જી ગૌતમ, સમગ્ર માહિતી બદલ આભાર।